मौसमी तब्दीली के असरात, साफ सफाई के नाकिस इंतजामात और कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के दरमियान हैदराबाद में इन दिनों मौसमी अमराज की लपेट में हैं। हैदराबाद के जहां हर घर में एक या दो अफराद इन वबाई अमराज के शिकार हैं, उनमें सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द की शिकायत आम है। लोग इन वबाई अमराज से खुद को महफूज रखने के लिए घरों में भी मास्क का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन वबाई अमराज के शिकार अफराद की बड़ी तादाद सरकारी और खानगी दवाखानों से रुजू हो रही है। सुबह की अवलिन सातों से ही मरीज दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। मरीजों ने सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स की तादाद और काउंटर्स में कमी की शिकायत करते हुए उनकी तादाद में मजीद इजाफे का मुतालबा किया। खासतौर पर सरकारी दवाखानों से रुजू होने वालों में गरीब अफराद की कसीर तादाद शामिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी तब्दीली की वजह से आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी अमराज से खास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला खवातीन को महफूज रखने की जरूरत है, इसीलिए उन पर खास तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि मौसमी हालात और दर्ज हरारत में तब्दीली के नतीजे में ऐसे अमराज के वायरस सरगर्म हो जाते हैं, ये अमराज एक दूसरे से फैलते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी 3 दिन तक बुखार, बदन दर्द कम ना होने पर फौरी तौर पर दवाखाने से रुजू हो।